check, one, two. Hey, check, one, two. এটা দু নম্বর, তাই তো? হ্যালো, চেক, হ্যালো, চেক, ওয়ান টু, চেক টু, চেক টু, হ্যালো, চেক টু, চেক, চেক, ওয়ান টু, আদিবাসী সংস্কৃতি ও পরম্পরাও কি ফেলেগি খুশবু, আদিবাসী কলা শিল্প জীবন শৈলী ও খান পান কা মিলেগা সম্পূর্ণ পরিচয়, विविध स्टॉलों पर नजर आएगी आदिवासी मूल्यों की समृद्धि। बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान रांची में check, one, two. Hey, check, one, two. এটা দু নম্বর, তাই তো? হ্যালো, চেক, হ্যালো, চেক, ওয়ান, টু, চেক, টু, চেক, টু, হ্যালো, চেক, টু, চেক, চেক, ওয়ান, টু।
सह करना जे जीवन रे दुख सहन गया एन रे हो ना दुख हिड़िन लगी हिड़िन कते अपनर में नहा रे सुख आ शांति उदुग कते लहाते बोन लहा दड़िया जहाँ तिना के जीवन रे एटके चढ़े हजुआ ओना बांग बोन दिसया ओना ओना बगी कते बोन लहा आ आर अपना जीवन रे चे लेका बोन लहा आ ओना लगी को लय अबुना सनाम इना प्रोग्राम को उदू किदा से तिना एने को उदू किदा उना ते नुआ बेवरा से नुआ संदेश को लय किदा जे आबो तला रे रेंगे होड़ मिना रे हूँ आबो दो अरी चली जोम न्यू रे तो जहान एटा सावता कौन कौन बनू पुना मेन खान आबो हूँ आयमा बोन किसड़ा उना उदू लगी गे सरकार नोंडे मीठे मन से बिना किदा आर उना ते भारत रे तिना परसी से तिना प्रोग्राम अरी चली मिना आ उना उदूरिया को गुरु मिटु किदा आर लहा ते बंचा दो अटी दरकार उना को लई किदा तो काते हो आलो पे चला आ नी तो तुडु पे थोड़ा देर तायम मनोतान सिरा मंत्री हेमंत सोरेन आर एटा मरांग पेड़ा को हिजुआ इने तायम आर वो प्रोग्राम बिना आ उन्हा जेल करते गे नुआ प्रोग्राम छपा आ उन हबी दुरु करते तंगीन पे धन्यवाद एंजेला और मुंडारी भाषा में अब हमारे साथ बसंती मुंडा हमारे साथ हैं जो मुंडारी भाषा में आपको सारी जानकारियां देंगी। झारखंड आदिवासी महोत्सव अभी बारसिंगरे अबू मन सिंह जना नियरे सुसुम दुरंग सबे लेखान कार्यक्रम काजी कमी को बुलेल केदा मेन दो सुसुम दुरंग काजी कमी को लेल तयम ते अबू के मिया जीरिया हुनारो होना चाहिए हुनारो होबा लगतिया ची अबू देश रे 11 राइज रन आदिवासी को मन मंच रे को जमन जना और सबेन सुसुम दुरंग रे मियन संदेश को ओम किदा आदिवासी को आ सुसुम दुरंग दुरंग और सुसुम के कातना हेंडे अकुआ मनरंग जगार अकुआ संस्कृति दिसुम चिल कते सेसेना हिनरिया सेना को उकुआ कंतैना मन लेकते काजी धाड़ी वा ची आदिवासी को आ रहन सहन जोम नू रानू जियार गार्डन नाला तेगे अकुआ दुनिया सेसेन तना और ने दुनिया सेसेन लगिन आदिवासी को आ ससंकीर लेकते सेसेन करेगे टेकावा ना दुनिया रे अबु रकम रकम रे आ जोम नू को बू सांगी जेदा हेनका के रोग दुख को सादी तना आदिवासी महोत्सव में संदेशों से नौतना ची अबुआ जोम नु बिल्कुल प्राकृतिक लगतिया प्राकृतिक होना चाहिए तबे एनंग अबुआ स्वस्थ ठीक तैना सुसुंदुरंग ते अबुआ स्वस्थ ठीक तैना सुसुंदुरंग बीता रे ईसु पूरा बुगिन जगार को बिना सुसुंदुरंग लेन पूर्ति के दो कागे एना मेन ते अबुआ जीतान रे संस्कृति एकदम बंचावा कन तैन लगतिया संस्कृति ते के दिसुम बंचावा कन तैना तिसिंग अबुआ समापन समारोह के नेगे अबुआ मुख्यमंत्री साहब तकिन की हिनी जुगा और अबुआ प्रोग्राम अबुआ समापन प्रोग्राम को एटेगुआ हेन जलो अबु अकिन के तांगे मेंते उडीबु इंतजार या तिसिंग रेया काजी कमी समापन दायम ते इसु काजी कमी को मेनागा अबू अकिना समापन समारोह तला रेगे लेजर सो लेखना कामी को मेना का इना कोबू ले लिया इना मेंते हागामिसी को काजी ओतना जी आदिवासी रे आ ससंकीर आदिवासी को आ ताइन आदिवासी को आ जोमनु इना को एकदम वैज्ञानिक तरीका ते मेना का हिना को इतुल रे हिना को अपन जीदान रे हुनार रे आगुल रे
अबुआ दुनिया बुगिन लेका मजा लेका सेसेना आदिवासी महोत्सव रेया उपलक्ष्य रे अबु नेता अबु जमा कना दुनिया रेन आदिवासी को झारखंड रे अबु मेना अबुआ 32 तरह रेन आदिवासी को मेना को मेन दो इनको सोबेन अपन अपन ठयात कर मेना अबुआ ने लेका मिता रे मिन मंच रे चीहुलाव कबू जगार जम्मा लेना निया मंच रेया मेन संदेश निया गे ची जा रे बु तैन का अबु जाता रे बु तैन का अबु विचार ते अबु संगठन अबु धार्मिक अधिकार को आदिवासी को धार्मिक संवैधानिक अधिकार को आको को इतुई का निया के संदेश तना ची आको अधिकार चना तना आया ते चिलकते को रखा बोआ अर निया मुयन अबु आ होबा कना मुख्यमंत्री तकिना अकिना सनंग तेगे दो आया ते आइन अले गति ओडो मेदि राजिया आय अबु तलरे जगरिया तो प्रस्थान हो चुका है माननीय मुख्य अतिथि महोदय का और साथ में हमारे सभी माननीय विशिष्ट अतिथिगण बस अब से कुछ ही पलों में हमारे बीच इस मंच पर पहुंचने वाले हैं और जैसा मैंने पहले भी बताया जैसे ही हिजला द्वार से उनका प्रवेश होगा इस झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 के अवसर पर आयोजित आज के इस समापन कार्यक्रम के अवसर पर जैसे ही वो आएंगे पारंपरिक स्वागत होगा झूमते थिरकते हुए गाते हुए क्योंकि हमारा झारखंड जहां चलना ही नृत्य और बोलना ही संगीत है अभिव्यक्ति का माध्यम है हमारे नृत्य हमारे संगीत तो ऐसे ही लोक गीतों की गूंज के साथ लोक नृत्यों की थिरकन के साथ ढोल नगाड़े मांदर बांसुरी शहनाई पेनम आदि वाद्य यंत्रों की गूंज के साथ स्वागत आगत के लिए तैयार हैं हमारे कलाकार और बस अब से थोड़ी ही देर में हमारे बीच उनका आगमन होने वाला है फिर से एक बार आपसे आग्रह करूंगी जल्दी जल्दी आप लोग इधर उधर जो घूम रहे हैं अपना अपना आसन ग्रहण करें बैठ जाएं अपनी अपनी जगह पर आप सभी बैठ जाएं जैसा हमने पहले भी बताया है आज के इस पूरे समापन समारोह का भी सीधा प्रसारण हमारे झारखंड सरकार की अपनी वेब टीवी झारगॉव.टीवी के माध्यम से की जा रही है
और हम सबके लिए ये सौभाग्य की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की ये जो कल्पना, ये जो सोच, उसके परिणाम स्वरूप हमें 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 में शामिल होने का मौका मिला है और ये माध्यम बना है हमारे तमाम जो परंपराएं हैं, सभ्यता है आदिवासी समुदाय की, विभिन्न जनजातियों की, उनको नजदीक से देखने समझने का मौका मिला है। न सिर्फ उनके कला संस्कृति के बारे में बल्कि उनके नृत्यों को भी हमने देखा अलग अलग। कल आपको याद होगा 32 जनजाति की पूरी टीम रीझ रंग रसिक के साथ यहाँ पर पहुंची थी रैली के माध्यम से, और ये कोशिश की जो ये 32 जनजातियां हैं हमारे झारखंड की वो अक्षुण रहें और उनकी जो सभ्यता है, उनकी जो संस्कृति है, उनको हम संजो कर रख सकें। हमारा झारखंड इतना सुंदर प्रदेश और वैसे ही सुंदर यहाँ के रहने वाले, वैसे ही सीधे सादे यहाँ के रहने वाले, और स्वागत के लिए जब भी हमारे झारखंड में कोई आता है तो यहाँ उनके स्वागत के लिए खड़े रहते हैं, उनके स्वागत के लिए आतुर रहती हैं यहाँ की बलखाती नदियाँ, यहाँ के झरने, यहाँ के जो जंगल हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, और हवाओं में खुशबू बिखेरते रंग बिरंगे जो फूल हैं वो हमारे आगत अतिथियों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आज भी हम अपने अतिथियों का स्वागत हमारे झारखंड के राजकीय वृक्ष साल यानी सखुआ के साथ करेंगे। साथ ही साथ हम उन्हें अपने पारंपरिक झारखंड की पारंपरिक पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे, अंगवस्त्र पहनाकर उनका सम्मान करेंगे और साथ ही साथ स्मृति चिन्ह भी प्रदान करेंगे ताकि इस 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 की तमाम स्मृतियां जहन में रहें। और मिलकर क्या कहेंगे, जोहार। बिल्कुल, जैसे ही आते हैं हमारे मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथिगण, हम लोग एक साथ पूरे जोश के साथ पूरे जोर लगाकर हम लोग जोहार करेंगे ताकि दूर दूर तक ये जोहार की जो गूंज है वो पहुंचे। देखिए ये जो वाद्य वादन है धीरे धीरे बिल्कुल इसकी तीव्रता बढ़ रही है और आगमन होने जा रहा है हमारे बीच आज के इस झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 के समापन समारोह में। जोरदार तालों के साथ स्वागत करें हमारे बीच माननीय मंत्री श्री आलमगीर आलम जी, तालियों की गूंज। माननीय मंत्री श्री चंपाई सोरेन जी का हम बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। माननीय मंत्री श्रीमती जोबा मांझी मैडम का हम बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ सभी सम्मानित अतिथिगणों का हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। धीरे धीरे विशिष्ट अतिथिगणों का आगमन इस मंच पर हो चला है और बस अब से कुछ ही पलों में हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति होने वाली है। ढोल नगाड़ों के बुलंद आवाजों के साथ, थिरकते कदमों के साथ ये स्वागत अभिनंदन। हमारे बीच मंच पर पूर्व माननीय मंत्री एवं सांसद रह चुके श्री सुबोध कांजी भी उपस्थित हैं, आपका भी हम इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ अन्य मंत्रीगण भी विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच बस अब से कुछ ही पलों में पहुंचने वाले हैं।
संस्कृति, इतिहास, परंपरा, विविध कलाएं की बात करेंगे तो हमारा झारखंड इसमें समृद्ध है, अनूठी है यहाँ की परंपराएं। जोरदार तालों के साथ अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, जोहार करें मिलकर, जोहार, बहुत बहुत स्वागत। माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी श्रीमती कल्पना सोरेन मैम का भी आगमन हुआ है, हम आपका बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। माननीय मंत्री श्री बादल पत्रलेख जी हमारे बीच, आपका हम बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। देवी सज्जनों, ये घड़ी जिसकी प्रतीक्षा हम सबको थी, झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 के समापन सत्र में हम सबके बीच मंच पर आगमन हो चुका है माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का। बहुत बहुत अभिनंदन वंदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और सभी वरिष्ठ अधिकारियों का और आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, जोहार आप सभी को। देवियों सज्जनों, ये आपकी परिकल्पना, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की परिकल्पना का ये साकार रूप, ये महोत्सव आदिवासी संस्कृति को सशक्त बनाने, संवर्धित करने और उन्हें सम्मान देने की दिशा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में एक ऐसी महत्वपूर्ण पहल है जिसका संदेश देश और दुनिया भर में पहुंचा है, जो केंद्रित है आदिवासी जीवन दर्शन और मूल्यों को। वंदन है माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सोच को, वंदन है, अभिनंदनीय है उनके क्रियाकलाप, उनका वो व्यक्तित्व जो हम सबके लिए प्रेरणा है। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय और आप सभी का। तो एक बार करतल ध्वनि से जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें मंचासीन हमारे सभी अतिथि गणों का। ये दो दिवसीय आदि महोत्सव में आपने कितना लुत्फ उठाया है, कितने आनंदित हुए हैं, एक बार सबसे पहले बता दीजिए, तालियों के माध्यम से बता दीजिए, कितना कितना एंजॉय किया आपने। बहुत एंजॉय किया है और खुशियां ही खुशियां चारों तरफ है और यही खुशियां अब हम मंचासीन माननीय आदरणीय अतिथि गणों तक संप्रेषित करेंगे, हम प्रदान करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं हमारे आदिवासी भाई बहन हमेशा प्रकृति से प्यार करने वाले होते हैं, तो हम प्रदान करेंगे हरियाली, खुशहाली और पवित्रता का प्रतीक सखुआ का पौधा, साथ ही साथ पारंपरिक पगड़ी, अंग वस्त्र और इस दो दिवसीय महोत्सव की तमाम स्मृतियां आपके जहन में रहे, हम स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। मैं आदरणीय मुख्य सचिव महोदय से सर्वप्रथम निवेदन करना चाहूंगी और आज के दिनों में मुख्य सचिव महोदय के करकमलों द्वारा ये स्वागत अभिनंदन, तालियां आपकी तरफ से स्वागत स्वरूप। पारंपरिक पगड़ी, अंग वस्त्र के साथ ये सम्मान आज के अवसर पर, तालियां आपकी लगातार होती रहे। साल का पौधा और स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है, ये दो दिवसीय आदिवासी महोत्सव की, झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 की। मुख्य सचिव महोदय से ही पुनः आग्रह होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी मैम श्रीमती कल्पना सोरेन जी हैं, सर आपसे पुनः निवेदन होगा, मैम का स्वागत अभिनंदन, स्मृति चिन्ह, साल का पौधा, अंग वस्त्र पहनाकर करें, तालियां आपकी तरफ से। श्रीमती कल्पना सोरेन जी का स्वागत अभिनंदन आज के इस अवसर पर, कितना प्रेम करती हैं, आपके बीच स्वयं पहुंची हैं आज के इस अवसर पर। स्वागत और अभिनंदन ये आदरणीय मुख्य सचिव महोदय के करकमलों द्वारा ये प्रदान किया जा रहा है श्रीमती कल्पना सोरेन जी को, धन्यवाद सर। और अब मैं प्रधान सचिव कल्याण श्री राजीव अरुण एक्का सर से निवेदन करती हूँ, माननीय मंत्री श्री आलमगीर आलम जी
का स्वागत एवं सम्मान करें सर। साल का पौधा, अंगवस्त्र, स्मृति चिन्ह और पारंपरिक पगड़ी पहनाकर ये स्वागत अभिनंदन, तालियां आपकी ओर से। ये अंगवस्त्र, ये झारखंड का पारंपरिक अंगवस्त्र जिसमें झारखंड की समृद्ध कला नजर आती है, और ये स्मृति चिन्ह, दो दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव का ये स्मृति चिन्ह। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं अपर सचिव कल्याण श्री अजय नाथ झा सर से निवेदन करती हूँ, माननीय मंत्री श्री चंपाई सोरेन जी का स्वागत एवं अभिनंदन करें सर। करतल ध्वनि आप सबकी तरफ से, तालियों की गूंज, सम्मान से भरी हुई तालियां। माननीय मंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कैमरा पर्सन, फोटोग्राफर से निवेदन, कृपया साइड रहे आप लोग। श्री चंपाई सोरेन जी का स्वागत अभिनंदन इस वक्त, तालियां हो। विभागीय मंत्री महोदय का स्वागत अभिनंदन किया गया। हमारे बीच माननीय मंत्री श्री शोभा मांझी मैम है, मैं आदरणीय उपायुक्त रांची श्री राजीव, श्री उपायुक्त महोदय से निवेदन करती हूँ, राहुल कुमार सिन्हा सर ये सम्मान और स्वागत प्रदान कर रहे हैं, तालियां आपकी ओर से हो। माननीय मंत्री श्रीमती जोबा मांझी मैम, श्री राहुल कुमार सिन्हा, आदरणीय उपायुक्त रांची महोदय इनका सम्मान कर रहे हैं। माननीय मंत्री श्री बादल पत्रलेख जी हमारे बीच हैं, मैं डीडीसी सर से निवेदन करती हूं, आपका स्वागत अभिनंदन करें। अतिथियों के स्वागत के समय आपकी करतल ध्वनि उसे एक और शिखर तक लेकर जाती है, तो आइए तालियां आप सबके सम्मान से भरी हुई बजनी चाहिए। माननीय मंत्री श्री हाफिजुल हसन जी हमारे बीच, उपायुक्त महोदय से पुनः आग्रह। माननीय मंत्री पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद श्री हाफिजुल हसन जी को आदरणीय उपायुक्त महोदय ये सम्मान प्रदान कर रही हैं। सखुआ का पौधा, अंगवस्त्र और पगड़ी के साथ स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है, और स्मृति चिन्ह में तालियों की गूंज भी बनी रहनी चाहिए। तालियां बजाते रहिए। हमारे बीच श्री सुबोध कांत जी, पूर्व केंद्रीय एवं सांसद रह चुके, मैं PDITDO सर से निवेदन करती हूं, आपका स्वागत अभिनंदन करें सर। अपर सचिव महोदय से निवेदन, आपका आ गया सर। PDITDO आपका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। स्वागत अभिनंदन, और हमें हार्दिक खुशी, हमारे बीच आदरणीय मुख्य सचिव श्री सुखदेव सिंह सर की उपस्थिति है। मैं उपायुक्त महोदय से पुनः सादर आग्रह करती हूं, मुख्य सचिव महोदय का स्वागत सम्मान करें सर। स्वागत अभिनंदन, और अब मैं अपर सचिव कल्याण सर से निवेदन करती हूं, आदरणीय प्रधान सचिव कल्याण
हमारे बीच हैं, श्री राजवीर डीजीपी महोदय हमारे बीच हैं, उनका स्वागत, डीजीपी महोदय का स्वागत, अभिनंदन, तालियां आपकी तरफ से हो। पारंपरिक पगड़ी, अंगवस्त्र, सखुआ का पौधा और स्मृति चिन्ह के साथ हम स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। डीजीपी महोदय का इस वक्त स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। उपायुक्त महोदय से पुनः मैं आग्रह करूंगी, आदरणीय प्रधान सचिव कल्याण सर का स्वागत अभिनंदन करें सर। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव मैम श्रीमती वंदना डाडेल जी की उपस्थिति, मैं पुनः अपर सचिव महोदय श्री अजय नाथ सर से निवेदन करती हूं, मैम का स्वागत अभिनंदन करें सर। तालियां हो आपकी तरफ से। माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव महोदय श्री विनय कुमार चौबे सर, मैं डीडीसी सर से निवेदन करना चाहती हूं, आपका सर का स्वागत अभिनंदन करें। पगड़ी के साथ पारंपरिक पगड़ी, अंगवस्त्र, साल का पौधा और स्मृति चिन्ह आपको प्रदान कर रही है आज के अवसर पर। बहुत धन्यवाद सर। और आज हमारे विशेष मेहमान के रूप में यहाँ उपस्थित हैं वो जिन्होंने पूरे झारखंड का नाम विश्व भर में रोशन किया है। जी हाँ, सुश्री एंजेल मरीना तिर्की, क्वीन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म। मैं निवेदन करूंगी जिला कल्याण पदाधिकारी मैम संगीता शरण जी से, आपका स्वागत अभिनंदन करें मैम। 2023 में मनीला फिलीपींस में ये प्रतियोगिता आयोजित की गई थी और उसमें झारखंड का नाम रोशन किया है और हम धन्य हैं, हमें हार्दिक खुशी है, सब लोग खुश हैं आपकी इस सफलता पर, हमें गर्व है आपकी इस सफलता पर। सुश्री एंजेल मरीना तिर्की, क्वीन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म का स्वागत अभिनंदन झारखंड के राजकीय साल के साथ ये स्मृति चिन्ह और अंगवस्त्र बनाकर आपका स्वागत अभिनंदन किया गया है। और देवी और सज्जनों, स्वागत की इस परंपरा को आगे बढ़ाती हुए अब मैं निवेदन करूंगा माननीय मंत्री अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं परिवहन विभाग श्री चंपाई सोरेन जी से कि वे अपने स्वागत संबोधन के लिए पधारे। अपने स्वागत संबोधन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी विशिष्ट अतिथियों का आप सबका स्वागत करें श्री चंपाई सोरेन जी। माननीय मंत्री महोदय, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें माननीय मंत्री महोदय का। इस पूरे आयोजन को सफल बनाने में छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखा है माननीय मंत्री महोदय ने, जोरदार तालियां। आज भगवान बिरसा मुंडा इस पवन धरती पर दो दिवसीय विश्व आदिवासी दिवस शुभ अवसर पर आज का समापन दिन में सबसे पहले विश्व के और भारत के झारखंड के सभी वीर सुपुतों को नमन करते हुए
आज का समापन दिवस में सबसे पहले हमने स्वागत करेंगे युवा करमवीर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और इनके जन्मदिन का शुभकामना देते हुए आशीर्वाद देता हूं। उसका साथ इस राज्य के मंत्री साथी आलमगीर साहेब, श्रीमती जोबामा जी मंत्री, बादल पत्र हाफे हुसैन और राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, डीजीपी अजय कुमार सिंह, विभाग के सुमेर एक्का जी, प्रधान सचिव श्रीमती बादना दादेल, सचिव चौबे जी और झारखंड के सुपुतो आज विभिन्न राज्य से आए हुए हमारा इस विश्व आदिवासी दिवस पर कलाकारी साथी सभी राज के हमारे अतिथिगण, विभिन्न राज के अतिथिगण, और हमारा पत्रकार साथीगण, आरिस इस विश्व आदिवासी दिवस को सुरक्षा में काम में लगे हुए हमारे पदाधिकारी कर्मचारीगण, पत्रकार साथीगण, सभी का सबसे पहले जोहार। आज विश्व आदिवासी दिवस का दूसरा दिन है और आज दिन भर में इसी जगह में विचार गोष्ठी किया गया वर्षों से आदिवासी का इतिहास इस धरती में उनका बलिदान हमारा पूर्वजों का और हमारा 32 जो झारखंड में हमारा आदिवासी सूची में है उनका भाषा सांस्कृतिक, उनका रहन सहन, उनका जल जंगल जमीन और आज तक जो हम लोग इतिहास का पन्नो यदि देखेंगे 1600-1700 से लेके अब तक, क्योंकि 1755 में तिलका मांझी ने ब्रिटिश का हुकूमत, उनका गुलाम का जंजीर को तोड़ने के लिए उलगुलान और क्रांति का बिगुल बजाया था, उसका बाद से हर दशक में एक एक रेवोल्यूशन हुआ, संघर्ष हुआ,
आज हम लोग हमारा सामाजिक व्यवस्था एक अलग ही पहचान है देश के अंदर में या विश्व के अंदर में। हमारा सामाजिक व्यवस्था इतना मजबूत है जो हम लोग का सामाजिक व्यवस्था में कई अमीर और गरीब किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। पेड़ के नीचे हम लोग आस्था रखते हैं, पूजा करते हैं और हमारा पूर्वज ने पूरा जंगल के बीच में घर बनाया, गांव बसाया, खेत खलिहान को बनाया और उसी जगह में सरना स्थल देशावली जाहिर थान हमारा 32 आदिवासी का अलग अलग पूजा स्थल चिन्हित करके रख दिया। जैसा हम लोग अभी खेती के समय आषाढ़ पूजा करते हैं उसी तरह हर महीना हम लोग का अलग अलग देवी देवता को हम लोग आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हमारे अलग ही सामाजिक व्यवस्था है। गांव में जिस तरह से माझी परगना मन की मुंडा पढ़ा राजा उसी तरह का हर समुदाय में एक गांव का एक समाज का नेतृत्व करने का एक अभिभावक हम लोग चुनते हैं जो वर्षों से परंपरा से रूप से हम लोग वही समाज का दिशा दशा नेतृत्व आगे देते हैं। हमारा हर पूजा में हम लोग नाचते हैं गाने तो ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ पूजा है जो हम लोग देव स्थान से लेकर हर जगह हम लोग का खुशी तो उस सब से हम लोग मादल का थाप नाच गान से अपना इतिहास अपना दिल का दर्द हम लोग प्रकाश करते हैं। ये आदिवासी का परंपरा अटूट है। ये परंपरा विश्व में अलग पहचान है। इसीलिए आज का दिन हमें बड़ा सोच समाज के आज का दून आधुनिक युग आ गया है। इस आधुनिक युग में भी हम इस आदिवासी समुदाय सामाजिक व्यवस्था से लेके हम किस तरह से आदिवासी मुलुक शेड्यूल एरिया में हमको कैसे करके उपनिवेश बेस में रहने का मजबूर करते हैं इसके लिए हम लोग का भी बहुत बड़ा चुनौती है। इसीलिए आज जो भी हमारा सामाजिक में बुद्धिजीवी है समाज के अभिभावकगण है ये राज्य सरकार ये जो हेमंत सोरेन का सरकार ये देश के अंदर विश्व का पहला दूसरा पिछले साल और इस साल एक ऐतिहासिक कार्यक्रम देश और विश्व के पैमाने में प्रस्तुत करने का काम किया जो आदिवासी किसी से कम नहीं है। जो औरों का जिस तरह से उनका अपना हाथ पैर मुंह आंख सब भाई उसी तरह हमारा भी है और हमारा भी मदर टन है जो हमारा
अपना स्क्रिप्ट भी है, हमारा आवाज मातृभाषा भी है, इसको कैसे करके सुरक्षित करेंगे, ये आज संकल्प लेने का दिन है। ये सोच करके इस राज्य का युवा कर्मवीर मुख्यमंत्री ने अपना इस कार्यक्रम को विशाल रूप से प्रस्तुत किया विश्व के सामने। इसीलिए आपको प्रश्न है कि आप जरूर 32 आदिवासी चिन्हित है, लेकिन आपका उद्देश्य एक होना चाहिए, हम सबों का उद्देश्य एक होना चाहिए। जब हमारा इतिहास को पलटने देखेंगे, चाहे तिलका मांझी सिद्धू कन्हू चांद भैरव फूलो जानो, चाहे भगवान बिरसा मुंडा ताना भगत, चाहे पोटो हो, इसी धरती में क्रांति का बिगुल बजाया था। ये जमीन हमने किसी से भीख से नहीं लिया, ये जमीन पूर्वजों का दिया हुआ है। इस धरती में हमारा परंपरा हमारा जीवित रहेगा, हमारा मातृभाषा जीवित रहेगा, हमारा देवस्थान जीवित रहेगा। उसका लिए अपना तीर का नोक से ब्रिटिश साम्राज्यवाद को चुनौती देके ये झारखंड में ये कानून बना के उन लोगों को मजबूर कर दिया है। ये इतिहास है, इसीलिए आज इस कदम जो हमारा जो युवा मुख्यमंत्री करमवीर, इसीलिए इस तरह से काम शुरू कर दिया है, जिसको हम करमवीर के नाम से पुकारे। हम कहेंगे नहीं, काम करेंगे झारखंड में चाहे विश्व में आदिवासी का किस तरह से उनके ऊपर शोषण और दमन हो रहा है, जो आज मिसाल वर्तमान मणिपुर है, मध्य प्रदेश है और ओसा जगह में, जो आज आधुनिक युग में हम लोग प्रवेश कर लिया है। और उस आधुनिक युग में भी आज आदिवासी कोई भी क्षेत्र में है सुरक्षित नहीं है। इसके लिए हम सबों को भी एक उस चीज को हम लोग उस इतिहास को याद करके फिर हम सबको सब एक होना है, एक ही आवाज होना है कि हम जिस धरती को हमने पूर्वजों ने दिया है, ये भीख से नहीं लिया है, दान से नहीं लिया है, वो जंगल झाड़ को आबादी करके खेत कल्याण और गांव को बनाया है, देवस्थान को बनाया है। इस धरती में हम हमारा परंपरा को नष्ट नहीं होने देंगे, अपना मातृभाषा को नष्ट नहीं होने देंगे। ये संदेश देश और विश्व में हम लोग इस झारखंड का प्रदेश से संदेश देने का काम करेंगे, तभी हम आदिवासी हम बच सकते हैं, उपनिवेश से बच सकते हैं, अब विभिन्न नई तरह से हमला से बच सकते हैं। नहीं तो एक दिन हमारा परंपरा हमारा सारा चीज लुप्त हो जाएगा, हम कहीं का नहीं रह जाएंगे। ये एक दिन यदि हम संघर्ष और प्रतिज्ञा नहीं लेंगे, इस इतिहास के पन्नों को याद नहीं करेंगे, तो इस धरती में हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यही आज का समापन दिन में हमारा आप सबों के बीच में हमारा संदेश रहेगा। जो युवा करमवीर हेमंत सोरेन ने इस राज के लिए जो कदम उठाया है, ये हम सब साथ में रहेंगे और विश्व कांदान में झारखंड प्रदेश से एक नया इतिहास का हम नींव गढ़ेंगे। इन्हीं संदेश के साथ अपना विचार समाप्त करता हूँ। जोहार और सारा सभी शहीदों को अमर रहे। बहुत बहुत आभार माननीय चंपाई सोरेन जी, माननीय मंत्री अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण और परिवहन विभाग झारखंड सरकार। देवी सज्जनों, अब समय है जब देश के साथ साथ झारखंड का नाम भी रोशन करने वाली हमारे इसी रांची की बेटी एंजल मरीना तिर्की, क्वीन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म का खिताब जिन्होंने जीता और हम सबका मान हम सबका गौरव बढ़ाया। आपको यह बता दूं कि फिलीपींस के मनीला में
इंटरनेशनल ब्यूटी पैजेंट क्वीन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म इंडिया 2023 का आयोजन हुआ था और उसमें हमारी रांची की इस बेटी ने इस झारखंड का, इस भारत का गौरव बढ़ाया। एंजल मरीना ने कई देशों को पछाड़ते हुए ये ताज अपने नाम किया है। आइए करतल ध्वनि के साथ, आपकी तालियों के साथ उन्हें इन्वाइट करें और उनकी इस यात्रा को उन्हीं के शब्दों में सुने और गर्व करें कि हमारे समाज में ऐसी बेटियां हैं जो देश और दुनिया भर में हम सबका नाम रोशन कर रही हैं। आपके सामने इनवाइट कर रहे हैं सुश्री एंजल मरीना तिर्की। तालियों की आवाज आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। सबसे पहले आप सभी को मैं बोलना चाहती हूं जोहार। आप सभी को विश्व आदिवासी दिवस 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं एंजल मरीना तिर्की, क्वीन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म 2023, झारखंड की बेटी, टू आवर रिस्पेक्टेड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर एंड ऑल द ऑडियंस, जितने भी लोग आज यहाँ पे बहुत ही दूर दूर अन्य अन्य जगहों से और झारखंड के कोने कोने से यहाँ मिलकर इस आदिवासी महोत्सव को साथ में सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं, आप सबों को भी मेरी ओर से जोहार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज का ये दिन हमारे लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आदिवासी जो शब्द होती है वो दो शब्द के मिलन से बनती है, आदि और वासी। इसका मतलब होता है बहुत पहले से रहने वाले। और हम सब जितने लोग आज यहाँ पे बैठे हैं एकता के साथ इस पंडाल के नीचे, और मैं आप सबों के बीच से निकली हुई आप सबों की बेटी यहाँ पे अपने राज्य और अपने कंट्री इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मुझे मौका मिला, जहाँ 32 कंट्री थी, USA, मेक्सिको और भी कितने सारे कंट्रीज, उनके साथ कम्पीट करके मैंने ये ताज इंडिया का नाम किया है। और मैं शुक्रिया और मैं चाहती हूँ कि आज यहाँ पे जितने भी युवा हैं, जितने भी टैलेंटेड लोग हैं, अपने आप को कभी भी किसी से कम नहीं समझे। ऑलवेज अपने अंदर में एक आशा, अपने अंदर में एक ज्योत को जलाए रखें कि आप कहीं पे भी जाएंगे तो आपकी मेहनत और आपकी लगन से आप किसी भी ऊंचाइयों की सीढ़ियों को चढ़ सकते हैं और उड़ सकते हैं। आपको किसी ने भी रोका नहीं है। अभी मैं पहले बोलना चाहती हूँ, जैसे कि लोग पहले सोचते थे कि आदिवासी समाज बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा है, बट मुझे लगता है कि अब ये चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि आज अगर मैं आपके सामने यहाँ पे खड़ी हूँ एज ए इंटरनेशनल डेलीगेट, तो मुझे लगता है कि अब ये बिल्कुल भी पिछड़ा नहीं रहा। मैं बोलना चाहती हूँ कि हमारे युवा, जिसे हम बहुत ही ज़्यादा फॉलो करते हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर सर, उन्होंने हमेशा से हमें बोला है कि किसी भी चीज़ों को, किसी भी काम को अगर आप एक लगन के साथ करते हैं तो आप ज़रूर उन चीज़ों तक पहुँच सकते हैं। आज जैसे कि यहाँ पे हम सब आदिवासी बैठे हुए एक साथ एकता के साथ यहाँ बैठे हैं, अन्य सारे चीज़ों को, सांस्कृतिक परंपरा और वेशभूषा को देखने के लिए हमें वो मौका मिल रहा है, ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जैसे आज हम सब यहाँ बैठे हैं उसी तरीके से आगे भी मिलकर हमेशा हमें एकता के साथ रहना है, क्योंकि एक कहावत है जो मैं बोलना चाहती हूँ, और ये सिर्फ और सिर्फ कहावत नहीं, हमें इसे अपने जीवन में फॉलो भी करना है कि हम सभी लोगों को कोई तोड़ नहीं सकता, मरोड़ नहीं सकता, एकता के साथ जुट खड़े रहकर चलते चलना है। धन्यवाद, शुक्रिया, जोहार।
आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां एक बार बजा दीजिए सुश्री एंजेल मैरिना तिर्की जी के लिए, उनको सुना आपने। और आज के इस अवसर पर आपको बताएं, झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 के समापन समारोह के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिचर्चा अभी आपके सामने होगी, जिसका विषय होगा आदिवासियत एक जीवन शैली, इंडिजेनिटी अ वे ऑफ लाइफ। इसके होस्ट होंगे संपादक आउटलुक इंडिया। तो इस परिचर्चा के लिए हम मंच तैयार करने की इजाजत चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, मंच तैयार करेंगे। इसके लिए आप सभी हमारे गणमान्य अतिथियों से निवेदन, कृपया मंच के नीचे सोफे पर स्थान ग्रहण करें। माननीय मुख्यमंत्री जी की इजाजत से सभी से आग्रह परिचर्चा के लिए। अब हम इस मंच को तैयार करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ आज की ये परिचर्चा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत रोचक भी होगी, क्योंकि उनका अपना चिंतन है, उनका अपना दर्शन, और उन्हीं के चिंतन की प्रेरणा से ये उन्हीं की सोच का एक साकार स्वरूप है ये झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज की ये परिचर्चा अभी इस मुख्य मंच पर आपके समक्ष होगी, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी कई महत्वपूर्ण बातें जो उनके अंदर हैं, जो आपके सामने रखना चाहते हैं, वो अपनी बातें इस परिचर्चा के माध्यम से आप तक रखने जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक सोच और संकल्प का स्वरूप हमारे आदिवासी संस्कृति को संरक्षित करना, और हमारे समाज के जो भी आदिवासी हमारे जनजातीय समाज के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके कल्याण के लिए, उनके समृद्धि के लिए, उनके खुशहाली के लिए वो तमाम परियोजनाओं को उन्होंने धरातल पर उतारा है, जिसकी वजह से उनके जीवन में खुशहाली आई है। और इसके साथ साथ प्रकृति का संरक्षण उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है, और झारखंड भारत देश का ऐसा अकेला पहला प्रदेश है जहां के हमारे युवा साथी जब विदेश में उनकी शिक्षा के लिए व्यवस्था होती है, एडमिशन होता है, तो सरकार उनको सहायता प्रदान करती है, सरकार उनको सहयोग देती है। और आज हमारे गरीब से गरीब परिवार के युवा साथी विदेश में पढ़ने के लिए आर्थिक मजबूरी की वजह से वो ना जा सके, ऐसी परिस्थितियां नहीं है। ये सोच है माननीय मुख्यमंत्री महोदय की कि हर युवा जिसके मन में सपने हैं, जिसके मन में संकल्प है, उस संकल्प को साकार करने की क्षमता और कुवत है जिसके अंदर, वो प्रतिभा को कहीं कहीं अंधेरे में गुम ना होने दिया जाए, उसे अवसर मिले, उसे आसमान मिले, उसे रोशनी मिले, उसे सहयोगियों को बढ़ावा दिया है। आज पूरे प्रदेश में उत्कृष्ट विद्यालयों की एक लंबी श्रृंखलाओं का निर्माण हो रहा है, जहां उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले, हर किसी को मिले, और उस शिक्षा के माध्यम से वो अपने जीवन को साकार कर सके, अपने सपनों को साकार कर सके, एक बेहतर इंसान बनने के साथ साथ इस प्रदेश के और देश के उन्नति में अपनी भूमिका को निभा सके। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, चाहे वो आदिवासी बहुल्य क्षेत्र हो या दूसरे हमारे ग्रामीण क्षेत्र, वहां बिरसा हरित ग्राम योजना के माध्यम से 26,000 एकड़ भूमि को फलदार वृक्षों के रोपण के माध्यम से हरा भरा करने का एक संकल्प भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में साकार हो रहा है, क्योंकि झारखंड दूसरे प्रदेशों के लिए एक प्रतिमान है, एक बेंचमार्क है, एक उदाहरण है, एक मॉडल है, जो हरित प्रदेश के रूप में जाना जाता है। ऐसा हरित प्रदेश, क्योंकि यहां हमारी संस्कृति जल है, जंगल है, जमीन है, और उसको सहेज कर रखने का, उसको संरक्षित करने के संस्कार हैं, और इस तरह से जल जंगल जमीन के संस्कारों को सहेजना हमारी आदिवासी संस्कृति जो शिक्षा हमें देती है, उसीलिए आज उसकी और भी ज्यादा उपयोगिता है। उस सोच को समाज के अन्य वर्गों तक लेकर जाने और उसे आत्मसात करने की आवश्यकता है, और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के इस संकल्प को साकार रूप झारखंड प्रदेश में दिया जा रहा है। और हमारे आदिवासी समुदायों की समृद्धि के लिए अनेक ऐसी योजनाएं, चाहे वो पशुधन विकास की योजनाएं हो, शहद उत्पादन से जुड़े हुए कार्यक्रम हो, स्वास्थ्य की वो सुविधाएं जो हर व्यक्ति तक पहुंचे, सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक पहुंचे, कोई व्यक्ति बीमारी में, दवा के और इलाज के अभाव में उसको कोई कष्ट ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने का
प्रयास सदैव माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया है और इसके साथ साथ वो पूरी श्रृंखलाएं उन्होंने हमारे किसानों के लिए, आदिवासी भाइयों बहनों के लिए तैयार की है, जहां उनके उत्पादों को कोल्ड स्टोरेज के माध्यम से मंडियों तक पहुंचाने और उन्हें अच्छे दाम मिल पाए इस बात को सुनिश्चित करने का भी लगातार उन्होंने प्रयास किया है। और फसल ऋण माफी योजना, ये सब ऐसे प्रयास हैं जो हमारे समाज के हर वर्ग, हमारे आदिवासी समाज से लेकर सभी को इसका बड़े स्तर पर लाभ मिला है। खुशहाली का वो दौर अब हम देख रहे हैं धरातल पर आकार लेते हुए, साकार होते हुए। देवियों सचनों, बिल्कुल जिस तरह से झारखंड हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ता जा रहा है, यही ये परिणाम है माननीय मुख्यमंत्री जी के अद्भुत सोच का, युवा शक्ति का प्रतीक है माननीय मुख्यमंत्री जी। और नई सोच के साथ, नई परिकल्पनाओं के साथ झारखंड को एक नया रूप देते चले जा रहे हैं। संस्कृति और परंपराओं की धरोहर को हम संजो कर रखें, संभाल कर रखें, ऐसी ही सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सोचा है उसी का अंजाम है ये झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा आदिवासी समाज के अधिकारों, आवश्यकताओं, उनके उत्थान, उनकी उन्नति और उनको एक नई पहचान दिलाने के लिए हमेशा सोचते हैं और अथक प्रयास करते हैं। साथ ही साथ उनके बीच जो समस्याएं हैं उनके निराकरण के लिए लगातार उपाय करते हैं। उनके लिए धरातल पर कई कल्याणकारी योजनाएं आई हैं, लगातार साकार हो रही हैं और लोग इनका लाभ उठा रहे हैं। झारखंड हमारा एक ऐसा सुंदर प्रदेश, सुंदर वन कानन, हरी भरी धरती, झरने, पहाड़, नदियां, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, जिन पर हमें मान है, अभिमान है। हमें मान है अपने माननीय मुख्यमंत्री जी पर, जिनके सांसों में बसती है आदिवासियत। और आज इसी शैली पर बहुत ही महत्वपूर्ण परिचर्चा अब बस थोड़ी ही देर में आपके समक्ष ये होने वाली है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के उद्बोधनों से हमारा मार्गदर्शन सदैव होता है, लेकिन उनके मन में जो संवेदनाएं हैं, उनके मन में जो चिंताएं हैं प्रदेश के लोगों की खुशहाली को लेकर, और उनके मन में जो संकल्प है इस प्रदेश को उन्नति के, प्रगति के शिखर तक लेकर जाने का, और उसके लिए ऊर्जा भी है, उसके लिए संकल्प और स्वप्न भी है उनके मन में, उसे साकार करने में किस रूप में वो आगे बढ़ते हैं, ये उनके मन में झांकने का एक अवसर हम सबको मिलेगा इस बातचीत के माध्यम से। और इसीलिए देवी सज्जनों, आपकी करतल ध्वनि के साथ हम निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से कि वे इस परिचर्चा में, जिसमें आदिवासियत एक जीवन शैली को लेकर चर्चा होगी और उनके संकल्पों को लेकर चर्चा होगी। और उससे पहले जो परिचर्चा में भाग लेंगे, जो हमारे चित करेंगे, मैं उनको मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। इस परिचर्चा के होस्ट संपादक महोदया आउटलुक इंडिया, आप आए मंच पर, हम आपका बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आउटलुक इंडिया के संपादक जो इस बातचीत को होस्ट करेंगे, चेती सिन्हा जी मंच पर आएंगे और एक परिचर्चा उनके सामने, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी सोच को हमारे समक्ष प्रस्तुत करेंगे। हमारी होस्ट संपादक आउटलुक इंडिया चिंकी सिन्हा हम सबके बीच में है और आपकी करतल ध्वनि के साथ अब हम निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वे मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे, बातचीत के सिलसिले को सुनने के लिए, एक एक शब्द उनकी जो प्रेरणा के रूप में हम सब तक पहुंचेगा उसको आत्मसात करने के लिए हम सब आतुर हैं, हम सब उत्कंठा से भरे हुए हैं। और इसीलिए इन क्षणों को आप सभी और खासतौर पर हमारे युवा दोस्त, हमारे युवा साथी जरूर ध्यान से इस बातचीत को सुने। आदिवासियत एक जीवन शैली के संकल्पों को उन्हें स्वयं वो मुख्यमंत्री महोदय के मुखार बिंदु से जानेंगे और समझेंगे और समझकर अपने जीवन में उतारें, उन सबके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा होगी ये बातचीत, ये चर्चा। तो तालियां आप सबकी तरफ से, स्वागत मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का। एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। जल जंगल जमीन में बसता मन हमारा, जोहार से आपको फिर से अभिनंदन हमारा।
थैंक यू सो मच मिस्टर हेमंत सोरेन जी फॉर कॉलिंग अस एंड आस्किंग अस टू हैव दिस इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशन एंड ये आउटलुक के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने पिछले साल से सरना और ट्राइबल पॉलिटिक्स के ऊपर काफ़ी कवरेज किया है समझने के लिए कि आखिर फ्यूचर ऑफ पॉलिटिक्स क्या है आइडेंटिटीज को लेके और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस देश में तो ये इनवाइट हमारे लिए बहुत ज़रूरी था और हम थैंक यू करना चाहते हैं झारखंड को कि हमें इन्होंने मौका दिया और ये जो पहला क्वेश्चन है हमारी तरफ से और इंडिजिनस फेस्टिवल विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि ट्राइबल आइडेंटिटी क्या है और आपके लिए एज अ पॉलिटिशियन एंड एज अ सन ऑफ द सॉयल वो क्या मायने रखता है देखिए ट्राइबल आइडेंटिटी क्या है मुझे लगता है कि देखिए इसकी तलाश मुझे लगता है अभी भी जारी है कि ट्राइबल आइडेंटिटी क्या है और इस राज्य का उत्पत्ति भी इस राज्य के ट्राइबल के पहचान को लेकर आगे बढ़ा है और बहुत लंबा कहा जाए कि आदिवासियों का जो आज कहा जाए कि एक हास्य के रूप में है आज खुद भी ये अपनी वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं राज अलग हुए हमारे इतने लंबे अरसे के बाद और एकीकृत बिहार में भी कभी भी ऐसे आदिवासी उत्सवों को नहीं मनाया गया पहली बार हमारी सरकार आने के बाद 2022 में और 2023 में आज आप देख रहे हैं ये दूसरी बार ये है पहली बार क्या अपेक्षा इस बार का जो कार्यक्रम है आप उसको कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी तेजी से आदिवासी अपनी 125 करोड़ के बीच में लगभग 13 करोड़ के जनसंख्या क्या यूं ही गुम हो जाएंगे ऐसा नहीं हो सकता और जब तक हम लोग हैं तब तक तो बिल्कुल ही नहीं सर एक और चीज था कि आपने 2019 में सरना कोड को पास किया और वो अभी सेंटर पे जाके अटका हुआ है तो सरना के बारे में अगर थोड़ा बता सके इसे क्या होगा पॉलिटिक्स क्या होगा आगे किस तरह से ये शेप करेगा आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को क्योंकि अभी तक इस देश में कुछ तरह की आइडेंटिटीज के बारे में बात हुई है ट्राइबल रहा है बट अनलेस एंड अंटिल समबडी कम्स टू झारखंड एंड काइंड ऑफ ट्राइज टू नो मेन स्ट्रीम में इतना पता नहीं चलता है लाइक मणिपुर के केस में आई थिंक यू वर द ओनली सीएम हु हैड रिटन अ लेटर टू द प्रेसिडेंट सेइंग कि साइलेंस जो है वो क्रुएल्टी का प्रतीक है तो यू हैव बीन वेरी वोकल ऑल्सो अबाउट थिंग्स तो सरना के बारे में अगर आप बता सके कि सरना से आगे क्या होगा अगर पास हो जाता है रिलीजन में देखिए सरना कोर्ट का डिमांड कहा जाए कि जो पहला आपने सवाल पूछा आइडेंटिटी उसी से थोड़ा मिलता जुलता जवाब भी होगा कि आज जहां 125 करोड़ के बीच में जो 13 करोड़ की जनसंख्या है इन्हें कुछ पहचान तो मिलनी चाहिए
और इसी को लेकर आदिवासियों के बीच में लगातार ये मांग उठती है कि जब इतिहास में पहले से ही आदिवासियों की एक जगह थी, वो धीरे धीरे आखिर समाप्त क्यों हो गई। आज इसको इन 125 करोड़ के बीच में ही विलय कर देंगे या फिर उनको भी एक अपनी पहचान देंगे। आज देश में कई ऐसे वर्ग हैं, कई ऐसे समाज हैं जो आदिवासी समाज से भी कम हैं, लेकिन उनकी अलग पहचान है, तो आदिवासी की क्यों पहचान ना हो। तो आज इस मामले को लेके झारखंड के आदिवासियों ने सबसे अधिक और सबसे जोरदार आवाज उठाई है और इसको लेकर हम लोगों ने अपने असेंबली से, मुझे लगता है ये देश में पहला ये राज्य है जहां पर आदिवासी अपनी पहचान को लेकर असेंबली में पारित करते हुए केंद्र सरकार को भेजा है, जहां ये लंबित है, लेकिन अभी जरूर लंबित है। इसके लिए निश्चित रूप से आदिवासी वर्ग को हमेशा संघर्ष करना पड़ा है, इसके लिए भी एक लंबा संघर्ष करने की आवश्यकता पड़ेगी जो आप करने को तैयार हैं। आपके दादाजी जो थे वो एक शिक्षक थे और उन्होंने भी महाजनों और यू नो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। आपके फादर खुद एक्टिविस्ट और पॉलिटिशियन रहे हैं, तो आपकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो शेप हुई है या आप अपने आप को जैसे लोकेट कर पाते हैं वो कैसे करते हैं? और आजकल क्योंकि समय बहुत बदल गया है, आदिवासियों के नाम पर भी बहुत कुछ है, जनजाति वनवासी हर तरह का नॉमिनक्लेचर है, तो उसको वो कैसे शेप हुआ आपके केस में और आपका क्या उस पर? देखिए, पहली बात तो देश के अंदर आदिवासी को लोग आदिवासी ही नहीं समझते, कभी कोई वनवासी के रूप में उनको देखते हैं, अलग अलग तरीके से उनका परिचय देते हैं, लेकिन आदिवासी जरूर केंद्र और राज्य में उनके लिए आदिवासी कल्याण विभाग मंत्रालय है, बट आदिवासी को जो आदिवासी वर्ग है उसको आदिवासी नहीं मानते। ये बड़ा ही कंट्राडिक्ट लैंग्वेज है कि वनवासी आदिवासी नहीं है और आदिवासी मंत्रालय है, बहुत बड़ी मंत्रालय है, छोटी मंत्रालय भी नहीं है। तो ये कैसे परस्पर विरोधाभास ये आवाजें आती हैं? अगर आदिवासी नहीं है तो वनवासी विभाग होना चाहिए था। और हम लोग जिस तरीके से अपने पॉलिटिकल मूवमेंट या पॉलिटिकल काम करते हैं और जो हमारे जो हम लोग जिनसे इंस्पायर्ड होते हैं, हमारे ग्रैंडफादर की अगर आपने बात करी, ये बहुत बड़ा लंबा सफर है, मुझे लगता है मेरे उम्र से भी ज्यादा लंबा सफर है का एक आपने यह सवाल पूछा। कल हम लोगों ने जब इस कार्यक्रम को उद्घाटन किया तो एक संथाली में एक महिला ने यहां पर स्पीच दी थी और उस समय हमारे आदरणीय दिसम गुरु शिव सोरेन जी भी मंच पर थे, वही मुख्य अतिथि थे। आप उसको उसने हालांकि संथाली में कहा है, अगर आप उस महिला का पता नहीं कहां से आई थी मुझे नहीं मालूम, यहां सब आयोजनकर्ता ने उनको बुलाया था, उस स्पीच को उठा करके उसको ट्रांसलेट करके देखेंगे तो आपको लगभग पूरा उसका जिस्ट पता चल जाएगा कि आज
इस राज्य में हमारे पूर्वज सोगोल्ड आप कह सकते हैं, भगवान बिरसा मुंडा कहते हैं, सिद्धू कानू बोलते हैं, उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सोबरन सोरेन कैसे हमने संघर्ष की लाठी को हम आगे लेके जा रहे हैं। आज इस राज्य में किसी आदिवासी परिवार के लोग ये नहीं सोच सकते थे कि हमारा कोई बेटा विदेशों में जाके पढ़ेगा। गलती से यदा कदा एकाद लोग हों, हमने कानून बनाया। ये देश में पहला ये राज है जहां सरकार, और इस बार अभी आप मेरे ख्याल से आज के प्रोग्राम के शेड्यूल में भी है कि इस बार 25 झारखंडी बच्चे, जिसमें आदिवासी दलित पिछड़ों के बच्चे हैं, इनको मैं विदेश भेज रहा हूं और 100% स्कॉलरशिप पर। तो ये देखिए, हमारी विचारधारा या किसी के भी विचारधारा, उनके निर्णय को भी प्रभावित करती है। और आज राज्य में ऐसे कई निर्णय हैं जो मुझे लगता है ये निर्णय राज बनने के बाद से होना चाहिए था, या उससे पहले भी इसको लागू किया जा सकता था, लेकिन ये विडंबना है कि आज ये झारखंड का जो हिस्ट्री है, सेपरेट स्टेट का जो हिस्ट्री है, वो इस सेपरेट कंट्री के हिस्ट्री से कम नहीं है। और हर गली चौक चौराहे में आपको यहां के इस मिट्टी के लिए, इस जल जंगल जमीन के लिए, जहां आदिवासियों की जमीनें लूटी जाती थी, जहां औरतों के साथ छेड़छाड़, औरतों के साथ ना जाने क्या हो जाता था, कुछ कहा नहीं जा सकता था। एक दौर ऐसा भी रहा है इस राज्य में, अगर औरतें घर से निकल जाएं कि दोबारा आएंगी कि नहीं आएंगी, ऐसे भी दौर थे। और उस दौर में सोबरन मांझी जी ने आवाज बुलंद किया, महाजनों ने उनकी हत्या कर दी। फिर आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी आए। इसके बीच इस लंबे सफर के दौरान कई साथी, शहीद निर्मल मातो हों, अनगिनत लोग आप देखेंगे इस राज्य में, जिन्होंने हमारे, चाहे भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू और भी लोगों के चीजों को आगे, लेगेसी को बढ़ाया। और आज आपके सामने एक इतना बड़ा समूह, और 2 दिन से, और मुझे लगता है कि अगर हम इसको 10 दिन भी ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें तो यहां हमें पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। सर, मेरा अगला क्वेश्चन था कि ये प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किया है आपने, तो ये जो प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज किया है, इसके पीछे किस तरह के कारण थे, किस वजह से किया था? और एक चीज जो ट्राइबल आइडेंटिटी जो वर्ल्ड ओवर अभी जो लोग जागरूक हो रहे हैं हर जगह, उनकी जो फाइट रही है हमेशा या तो एक आइडेंटिटी पे और एक सर्वाइवेंस पे, कि सर्वाइव कैसे करना है, क्योंकि डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट का दूसरा तौर आइडेंटिटी है। आप झारखंड में हो, एक्सट्रैक्शन इकोनॉमी है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, माइनिंग कंपनीज हैं, आपके बहुत कुछ कंट्रोल में नहीं है क्योंकि स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है और सेंट्रल लिस्ट है। उसको आप किस तरह से नेविगेट कर रहे हो और इसका पर्पस क्या है, और आगे जो फ्यूचर है ट्राइबल पॉलिटिक्स का, डेवलपमेंट और आइडेंटिटी को लेते हुए वो कैसे आगे बढ़ेगा? देखिए, ये राज अपने आप में एक बड़ा ही, इस राज का मायने बिल्कुल अलग और राज्यों से अलग है। ये राज देश का 42% से भी अधिक मिनरल्स इसी राज्य में पाए जाते हैं। मुझे लगता है कोई ऐसा
वर्ल्ड में मिनरल्स नहीं है जो इस राज्य में नहीं है। कोयला लोहा तो आम बात है, सोना चांदी भी मिलता है, यूरेनियम जैसे ये भी मिलते हैं, मिनरल्स भी यहीं पर हैं। और इन सब का और इनके इर्द गिर्द कई संस्थाओं ने काम किया। आज से नहीं, 100 साल पहले से अंग्रेज थे पहले, और शायद इससे पहले मुगल थे, तो मुगल को खनिज संपदा से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं था रहा होगा, उनको सोना चांदी से लेना देना था, तो वो सोना चांदी तो ले गए सो ले गए, लेकिन जब अंग्रेज आए तो वो खनिज संपदा के पीछे भी लगे सोना चांदी के साथ साथ। लेकिन आप देखेंगे आज तक 100 सालों के बाद भी जब मैं देखता हूं तो जो आदिवासी विस्थापित हो गया, चाहे वो कोयला निकालने के नाम पर है, आयरन ओर निकालने के नाम पर है, यूरेनियम निकालने के नाम पर है, एक्स वाई जेड मिनरल्स निकालने के नाम पर, 80% उसमें जो डिस्प्लेस लोग हैं वो ट्राइबल लोग ही रहे। लेकिन आज अगर हम देखें जिसका आज जीडीपी के अंदर हम कैलकुलेट करते हैं, आज जीडीपी का कैलकुलेट करने का तरीका भी बड़ा अलबेला सा है, तो आज हम अपने इस रियलिटी को देखते हैं तो जो लोग डिस्प्लेस हुए, जो यहाँ का मूल आदिवासी और मूल निवासी लोग हैं, इन लोग के हालात में बहुत ज्यादा सुधार हुआ नहीं। मैं कह सकता हूं कि बहुत ज्यादा सुधार क्या, लगभग नहीं के बराबर हम कह सकते हैं। आज के दिन में भी हमारी सरकार बनी, हम लोगों ने इस बात को थोड़ा सोचने का प्रयास किया कि भाई ये चीजें जब 100 ईयर्स से हो रही हैं तो इस राज्य के अर्थव्यवस्था, यहाँ की गरीबी, यहाँ की पिछड़ापन, यहाँ की बेरोजगारी, यहाँ की अशिक्षा का कारण कैसे इतना बड़ा हो गया। फिर हम लोगों ने थोड़ा माइंस मिनरल्स से हट करके इसके जड़ को देखने का कोशिश किया, आखिर कारण क्या है। तो मूल रूप से जो हमें समस्या देखने को मिला कि ये व्यवसाय तो इन खनिज संपदाओं के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर हुआ, यहां के कोयले से पूरा देश का रोशनी चमकता है, बिजली चमकती है, यहाँ के कोयले से देश का सारा इंडस्ट्री चलता है, यहाँ का देश को लोहा देने वाला आयरन और इसी राज्य से सबसे अधिक जाता है, और भारत सरकार को कई मायने में मिनरल्स से सबसे अधिक यहाँ से ही रॉयल्टी मिलती है, आमदनी भी बहुत होती है, आखिर यहाँ के लोग इतने पिछड़ क्यों गए। ये योजनाबद्ध तरीके से ये काम बड़े योजनाबद्ध तरीके से हुआ है और चल रहा है, अनवरत चल रहा है कि देश में आदिवासियों को कैसे समाप्त किया जाए। सिर्फ झारखंड की ही नहीं बात करें, आप देश के अलग अलग कोने में देखें कि आदिवासियों के ऊपर अनेकों खबर आपको मिल जाएंगे जहां पर लोगों की क्या उनके साथ लोग किस तरीके से पेश आ रहे हैं। अभी तो ताजा ताजा मणिपुर की बात आप देख लें, बड़ा विचित्र एक परिस्थिति आके आदिवासियों के सामने खड़ी है। अभी हाल में यहां झारखंड में तो मणिपुर में हो रहे दंगे के लोग शरण लेने या छुपने, जो यहां से बरसों पहले अंग्रेज इनको लेके गए थे, वो लोग वापस आ रहे हैं, और हम लोगों ने उनको शेल्टर भी दिया है, और कई राज्यों में भी किस तरीके से
प्रताड़ना कहें ये तो बहुत छोटा शब्द होगा, बल्कि बहुत घिनौना स्तर का व्यवहार आदिवासियों के साथ अभी तक है। लेकिन जहां हमारी नजर जाती है वहां तो हम रोक लेते हैं, लेकिन जहां नजर नहीं जाती वहां थोड़ा विलंब होता है या फिर छूट जाते हैं लोग। आज इन्हीं सब को एक मैसेज के लिए पूरा देश के अंदर कई घटनाएं होती हैं। गुजरात में आदिवासी के साथ घटना घटती है तो झारखंड के आदिवासियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, झारखंड के आदिवासियों के साथ कोई घटना घटती है तो राजस्थान के आदिवासियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, मणिपुर में घटना हो रही है तो महाराष्ट्र के आदिवासियों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज ये एक लोगों को कनेक्ट करने का एक मुहिम है, एक प्रयास भी है हमारा। और जो डेवलपमेंट पैटर्न है उस डेवलपमेंट पैटर्न को भी हम लोगों ने, हमारी जड़ें कितनी मजबूत हो वो हमारी पहली प्राथमिकता थी। इसीलिए देश में पहला ये राज है कई निर्णयों में जिसमें आज इस राज्य में जो सर्वजन पेंशन को लेके हम काम कर रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, कितने लोगों में निर्णयों में सरकार के नियत, जितनी भी सरकारें आई गई उनके निर्णयों को अगर आप देखें कि जो डिसेबल लोग हैं इनको 18 इयर्स के बाद पेंशन मिलता था, लेकिन डिसेबल अगर वो 5 साल में हो गया तो उसको पेंशन नहीं मिलेगा। ये चिंता का विषय है, इतना ये भेदभाव क्यों? अब विधवा के लिए की बात, विडो पेंशन लोगों को 35 साल के बाद मिलता था, विडो तो कभी भी हो सकता, आज वो सारे पैरामीटर्स हम लोगों ने खत्म कर दिए कि जिस दिन से विडो होगी 18 साल के बाद जब शादी का ये होता है उस दिन से उसको पेंशन मिलेगा, और 5 साल का बच्चा भी अगर डिसेबल है उसको भी पेंशन मिलेगा, और 50 साल का डिसेबल है उसको भी पेंशन मिलेगा। और जो हमारे गरीब, यहाँ पर तो मैक्सिमम लोग, यहाँ झारखंड में तो लोगों ने एक बड़ा समय इस राज को बचाने में, इस जल जंगल जमीन को बचाने में अपनी भूमिका निभाई, आज वो एक वृद्धावस्था में है। अब आप लोग को पेंशन एक फिक्स कर दिया गया, इतने लोगों से अधिक पेंशन नहीं दिया जाएगा, गरीबी और पिछड़ापन इतना, तो हम लोगों ने सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस राज्य में जितने बुजुर्ग हैं जो 60 साल से अब के हैं सबको पेंशन दिया, और ये एक माइलस्टोन है इस राज्य के लिए कि आज जो वृद्ध लाइन लगा करके अपने पेंशन के लिए खड़ा रहता था अब उसको उस लाइन की आवश्यकता नहीं, समय सीमा के अंतर निश्चित समय पर सभी पेंशनधारियों को पेंशन मिलता है। वही हाल अभी अब कोरोना में अगर आप उदाहरण देखें, ये राज्य और इस तरीके के राज्य जो बिहार हुआ रहे हैं जो सबसे पिछड़े राज्यों में हैं, यहाँ के लोगों की क्या हालत हुई है आपने देखा ही होगा, सड़कों पर लोगों को मरने के लिए मजबूर कर दिया गया लोगों को, और हम लोग उनको मजदूरों के लिए हम लोगों ने हवाई जहाजें की, ट्रेनें की, बसें की, और अलग देश के अलग अलग हिस्सों से उनको लाने का काम किया, बल्कि समंदर पार से भी लोगों को लाने का काम किया। तो ये हमारा बिल्कुल जो यहाँ के लोगों की भावना है, यहाँ के आम लोगों की जो सोच है, मानसिकता है, उसको मेरे से ज्यादा मैं नहीं कह सकता कि और कोई ज्यादा बता सकता है। हाँ, मैं नहीं कहता कि यहाँ बहुत, यहाँ पोटेंशियल भी कई सारे हैं, लेकिन उन सब चीजों का कभी उसके लिए नहीं सोचा गया, चाहे स्पोर्ट्स को लेके, चाहे और भी चीजों को लेकर। और आज हम लोग, हाँ ठीक है, बहुत सारी चीजें अभी हम लोगों ने शुरू की, उसका रिजल्ट आने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बड़ी तेजी से बदलाव की आहट आपको आसपास जरूर दिखेगा। सर, मेरा एक सवाल ये था कि जल जंगल जमीन जो नारा है
और डेवलपमेंट भी है एक साइड पे, जिसके ऊपर भी इलेक्शंस लड़े जाते हैं, एक आइडेंटिटी के ऊपर लड़े जाते हैं, और इसको बैलेंस करने के लिए झारखंड जैसे स्टेट में अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को देखते हुए, अपना ओरिजिन देखते हुए, अपनी आइडेंटिटी देखते हुए, एक तो वो क्वेश्चन कि आगे कैसे आप इसको बैलेंस करेंगे, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज है वो रियलिटी है, एनवायरमेंट का प्रॉब्लम हो रहा है, आदिवासी जीवन का एक बहुत बड़ा पक्ष है कि वो जितना लेते हैं उतना ही देते भी हैं, धरती के साथ उनका एक रिश्ता है, पेड़ काटते नहीं है उस तरीके से जितना, तो फॉरेस्ट राइट एक्ट है, बहुत कुछ है। आपके कार्यकाल में सबसे पहले जब आए आपने सेडिशन केसेस वापस लिए, जो पतलगढ़ी के थे, जो फिफ्थ स्केड्यूल वगैरह के बारे में उनको जानकारी दी गई थी, क्योंकि ट्राइबल लैंड्स का जो बिक्री था वो आसान कर दी करने के लिए भी रेजोल्यूशन पास हुआ था। तो इन सबको देखते हुए आप इसको कैसे बैलेंस करेंगे, डेवलपमेंट एक साइड पे है, एक साइड पे इंडिजिनस लाइफ, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट, सब कुछ। देखिए मैम, इसमें अगर मैं शब्द में इसका जवाब देना चाहूं, जहां आज क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग की बड़ी बड़ी गोष्ठियां होती हैं, 5-स्टार होटलों में महंगे महंगे गोष्ठियां होती हैं, करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के, देश के अंदर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर बड़ी बड़ी संस्थाएं काम करती हैं, और आज इतने चर्चाओं के बावजूद इस पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। और जब बारिश होना है तो गर्मी है, गर्मी होना है तो बारिश है, बारिश होना है तो ठंड है, बड़ा अजीब वेदर है। अगर इस क्लाइमेट चेंज पर डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए मैंने शुरू में भी कहा, और हम लोग तो लगातार इस चीजों के लिए काम कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ नीति निर्धारक लोग बड़ी चतुराई से क्लाइमेट चेंज करने की पर तो बहस करते हैं, लेकिन नीति निर्धारण ऐसे कर देते हैं कि क्लाइमेट चेंज बेहतर होने के वजह बिगड़ जाता है। आज आप देख लीजिए, धनबाद में झरिया में आग लगा हुआ है, आज से लगा हुआ है, और लोग वहां मरने के लिए मजबूर हैं। तो कहीं ना कहीं ये विडंबना भी है एक तरह से। हाँ, ये कहा जाए कि ये बड़ा ही, ये बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, मैं समझता हूं। और आदिवासी तो इन जंगलों के साथ ही जीता रहा है, यही इसका जीना है, यही इसको, यही उसका घर है, तो आज वो अपना घर क्यों उजाड़ेगा। लेकिन उजाड़ने के लिए नीतियां बनने लगती हैं, ऐसे ऐसे एफआरए में बदलाव होता है, जो एक समय अंतराल में कुछ बचेगा नहीं, ये स्थिति है। इसलिए हम लोगों ने तो शुरू से ही, अभी तो अर्बन एरिया की, शहर का जो स्थिति है, मैं तो शहरीकरण का जो डेफिनेशन है, अगर पहले इन सब चीजों को ध्यान से नहीं देखा गया तो क्लाइमेट चेंज पर बहस करना बेकार है। आज शहर के अंदर जितनी नदियां गुजरती हैं, शहर के बाहर अब बड़ी नदियां हैं, लेकिन शहर के अंदर वो नाले के रूप में तब्दील हो जाती हैं। शहर के अंदर जितने पेड़ थे उनको काट करके कंक्रीट के जंगल लगा लिए। आज हम लोगों ने स्पेशल प्रोग्राम निकाला है शहर के लोगों के लिए कि आप एक पेड़ लगाओगे तो 5 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, ताकि थोड़ा लोगों को मोटिवेट कर सकूं। कितना होगा नहीं होगा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि लोग आज पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन आदिवासी प्रकृति के पीछे भागता है। यही फर्क है आदिवासी में और देश के और अन्य लोगों के बीच में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए, और धन्यवाद। लास्ट में हम लोग ये कहना चाहेंगे कि जब आपने सरना कोड का रेजोल्यूशन पास किया था, तो हम खुद बिहार से हैं और मेरे घर में खुद
दो शादियां आदिवासी से हुई थी, तो इसके थ्रू हम लोग को भी बहुत कुछ पता चला, जो हमारे जो लोग थे, मेरी एक दादी थी जो अब नहीं है, उस हिसाब से. सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर गिविंग अस द टाइम. थैंक यू. एक बार जोरदार तालियों के साथ आभार व्यक्त करें माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का. आज वो तमाम अपनी चिंताएं और अपने चिंतन को उन्होंने हमारे समक्ष रखा है इस बातचीत के माध्यम से, जहां आदिवासियत एक जीवन शैली को लेकर उनकी अपने जो सोच है, अपना विजन है, अपनी चिंताएं भी हैं, क्योंकि उसको लेकर ही वो भविष्य में उस दिशा में आगे लगातार बढ़ने का प्रयास भी कर रहे हैं और उसमें बहुत हद तक सफलता भी मिल रही है. दूसरे प्रदेशों के लिए भी एक मानक, एक बेंचमार्क इस रूप में बन रहा है. तो बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का. और वक्त एक बहुत आकर्षक प्रस्तुति का है जो आपके सामने आरंभ होगा, लेकिन आपको ये भी बता दूं इस बीच की एक बहुत सुंदर लेजर शो भी, और उस लेजर शो में सिर्फ मनोरंजन नहीं है, आपको उस मनोरंजक प्रस्तुति के साथ साथ एक बहुत बड़ी प्रेरणा भी उसमें है. हमारे बलिदानियों के इतिहास, जो आदिवासी हमारे युवक और युवतियां, वीर और वीरांगनाएं जो रहे हैं, जिन्होंने गुलामी के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ खड़े होकर ब्रिटिश फौज का, ब्रिटिश सत्ता का सामना ही नहीं किया बल्कि उसे चुनौती भी दी और उसे पछाड़ा भी, परास्त भी किया, ऐसे वीर और वीरांगनाओं की कथा और कहानियों को लेजर शो के माध्यम से हम यहीं आपके सामने प्रस्तुत करेंगे. और उसके बाद एक बहुत सुंदर आकर्षक, सैकड़ों ड्रोन जब आसमान में टिमटिमाते तारों की तरह जब अलग अलग आकृतियां बनाएंगे, तो वो देखना भी आपके लिए बहुत रोचक और बहुत मनोरंजक होगा. हमारे फूड कोर्ट जहां पर है, उसी के पास वो ड्रोन शो, तो आप कहीं से भी देख सकते हैं. दरअसल इस पूरे परिसर में आप कहीं भी हो, वो ड्रोन शो और उसके बाद आतिशबाजी का जो मंजर होगा, जो अंदाज होगा, और उल्लास से भरे उस माहौल में आप खुद उसको जिएं और खुशी का इजहार करें और उन बिंदुओं को, अपनी इन चिंताओं को, उन मूल्यों को समाहित करके सजो कर रखें जो जिसके लिए हमारी आदिवासी संस्कृति जानी जाती है. और इसीलिए ये झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है और बहुत बड़ी एक प्रेरणा भी है. हमारे देश भर में अलग अलग प्रदेशों में बहुत सारे आदिवासी समुदाय रहते हैं. आप जानते हैं कि इस देश में 700 से भी ज्यादा आदिवासी समुदाय देश के विभिन्न हिस्सों में निवास करते हैं, वास करते हैं, और वे अपनी अपनी बोली, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपना खान पान, अपना पहरावा, इन सबको सहेज कर रखते हैं और अपनी दुनिया में निश्चलता के साथ, बहुत ही साफ गोई के साथ, बहुत ही प्रेम के साथ, बहुत सौहार्द के साथ जीते भी हैं और जीने की सीख भी देते हैं. ऐसी ये आदिवासी संस्कृति है. लेकिन अभी तो समय है जब इस मंच पर हमारे प्रदेश के वो कलाकार, जिन्होंने पूरे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम हिस्सों में भी अपनी प्रस्तुतियों से हमारी आदिवासी संस्कृति को, खासतौर पर नागपुरी लोकगीत, संगीत और नृत्यों की छटा से लाखों करोड़ों लोगों का दिल जीता है, ऐसे पद्मश्री से सम्मानित मुकुंदलाल नायक जी अब आपके सामने आएंगे अपनी प्रस्तुति के लिए और इस प्रस्तुति का आनंद आप ले सकेंगे. मुझे लगता है कि नायक जैसे नायक के लिए ये कम है, कहीं इससे ज्यादा स्वागत की आवाज और घोष आपकी तरफ से आनी चाहिए. जोश के साथ आपकी तालियों की गूंज भी हो, जोहार भी हो और अभिनंदन के स्वर भी हो, झारखंड की लोक कला और संस्कृति के नायक मुकुंदलाल नायक जी के लिए, जो कि पद्मश्री से सम्मानित, नंदलाल नायक जी के लिए जो कि पद्मश्री से सम्मानित हैं, ऐसी विभूति. तो पूरी परंपरा परिवार की, और उस परिवार की परंपरा में अपने पिताजी से लेकर उन परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए नंदलाल नायक जी की प्रस्तुति का अवसर हम सबके सामने, यहाँ उनको देखने और सुनने का अवसर हम सबको मिलने जा रहा है. और उसके बाद एक और आकर्षक प्रस्तुति है, हमारे आदिवासी परिधानों का सुंदर रंग बिरंगा दृश्य भी इस मंच पर साकार होगा. इस मंच पर आप सोचें, उस दृश्य की कल्पना करें, हमारे सभी आदिवासी समुदायों की अपनी अपनी इतनी खूबसूरत परिधानों की परंपरा है, उसका स्वरूप है, उसका रंग है, सादगी में भी कितना आकर्षण है और किस तरह से सुंदर अभिव्यक्ति होती है, जहां प्राकृतिक सौंदर्य भी है और प्रकृति के साथ सामंजस्य और तालमेल भी है. तो ऐसे सुंदर परिधानों की प्रस्तुति, जो ट्राइबल फैशन शो है हमारा, आदिवासी फैशन शो,
उसका भी रंग आपके सामने इसी मंच पर प्रस्तुत होगा। लेजर शो का भी रंग रहेगा और उस लेजर शो के साथ साथ आपको इन तमाम रंगों को हम आदिवासी झारखंड आदिवासी महोत्सव के साथ जोड़ते हुए यहां से आज जब हम विदा लेंगे तो बहुत सारी सुखद आनंददायी स्मृतियों के साथ हम विदा लेंगे। ये धरती अपने आप में वीर बलिदानियों की धरती है, कलाकारों की धरती है, वीरों की धरती है, क्योंकि इस झारखंड के आदिवासी संस्कृति के अनेक महान सपूतों ने, देवियों सज्जनों, जिन्होंने इस धरती पर जन्म लिया, हमारी संस्कृति में वीरता की अनेक, शौर्य की अनेक गाथाएं जिन्होंने लिखी है, ऐसे भगवान बिरसा मुंडा की यह धरती है। ये परिसर यहाँ का कण कण गवाह है उस इतिहास का और इतिहास के उन पलों का जब भगवान बिरसा मुंडा ने अपने अंतिम सांस लेते हुए अपने अपने कौम के लिए, अपने समुदाय के लिए, आदिवासी समुदाय के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, लेकिन 25 वर्षों में जिस तरह से संघर्ष की नई नई और शौर्य की नई गाथाएं उन्होंने लिखी है, कितना अद्भुत है वो सब। और आजादी के बाद हमारे यही के वीर सपूत जिन्हें हम हमेशा नमन करते हैं, वंदन करते हैं, लांस नायक अल्बर्ट एक्का का नाम भला कौन भूल सकता है, ऐसे परमवीर योद्धा जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, अलंकृत किया गया, ऐसे वीर सपूत इस धरती पर पैदा हुए, पहले भी और आज भी ऐसे ही सपूत इस धरती पर पैदा होते हैं। खेलों की बात होती है तो माही की चर्चा तो होती ही है, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नंबर एक तीरंदाज के रूप में जिन्होंने अपनी गहरी छाप छोड़ी, देश का नाम रोशन किया, दीपिका कुमारी, माधवन जैसे बेहतरीन कलाकार जिन्होंने यहां जन्म लिया, और भी बहुत सारे कलाकारों की लंबी फेहरिस्त है। आपको मालूम ही है कि कलाकारों में, हमारे आदिवासी कलाकारों में एक से एक प्रख्यात कलाकार देश और दुनिया में उन्होंने यहाँ की संस्कृति का परचम लहराया है। बॉलीवुड में भी एक से एक बेहतरीन कलाकार इसी झारखंड की धरती से उपजे, यहीं जन्म लिया उन्होंने। प्रियंका चोपड़ा जमशेदपुर में जन्मी और आज जिस रूप में वैश्विक स्तर पर उनकी अपनी पहचान है हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक में, वो हम सब के लिए गर्व की बात है। ऐसी लंबी फहरिस्त है कलाकारों की जिन्होंने झारखंड की इस धरती पर प्रकृति की गोद में जन्म लेकर यहाँ के संस्कारों से अपनी यात्राएं शुरू की है, चाहे वो खेल में हो, चाहे गीत में हो, संगीत में हो, नृत्य में हो, या फिर किसी और क्षेत्र में उन क्षेत्रों में उन्होंने अपना परचम लहराया तो झारखंड का नाम रोशन किया है। ऐसे सभी युवाओं को, उनकी प्रतिभाओं को हम नमन करते हैं और उनका वंदन भी करते हैं और उसके प्रति सम्मान का भाव भी रखते हैं। नंदलाल नायक जी की प्रस्तुति की प्रतीक्षा बस कुछ ही पलों में उसकी ये आकार लेगी, ये प्रस्तुति जिसका आनंद आप ले सकेंगे। बिल्कुल, अब शुरू हो गई है तो आप तैयार हैं, पूरा एंजॉय करेंगे। तो देखिए उनकी पूरी टीम आ गई है, आप देख रहे हैं पूरे इनकी जो ऑर्केस्ट्रा टीम है, सभी वाद्य यंत्रों पर जो कलाकार है, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। और जितनी तालियां बजाएंगे उतने जल्दी नंदलाल नायक जी आएंगे, ठीक है। नंदलाल नायक जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, हम सभी उनको जानते हैं, उनको सुनते हैं, उनकी फिल्में देखते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक कला के क्षेत्र में निपुण नहीं है, बल्कि वो फिल्म डायरेक्टर भी हैं, एक्टिंग भी करते हैं, डांस भी करते हैं, गाते भी हैं, वाद्य यंत्रों को भी बजाते हैं। तो बहुत सारे गुण, और ये सारे गुण उनको अपने परिवार से मिला है। उनके पिता पद्मश्री मुकुंद नायक जी और उनके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन का जो लीडरशिप कर रहे हैं, ये हैं नंदलाल नायक जी, जो अभी वर्तमान में जनरल काउंसिल मेंबर हैं संगीत नाटक एकेडमी में। और आपको बताएं, जो हमारी जो छऊ नृत्य है, जो विश्व भर में हमारा जो छऊ नृत्य प्रसिद्ध है, इसके और भी ज्यादा प्रचार प्रसार के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए इन्हीं को चुना गया है संगीत नाटक एकेडमी की ओर से, ताकि छऊ शैली को हम आगे बढ़ा सके। और उनकी पूरी जिम्मेवारी जो है वो नंदलाल नायक जी को दी गई है। अभी हाल ही में फिल्म धूमकुड़िया रिलीज हुई, देखा आपने, देखा कि नहीं, धूमकुड़िया फिल्म देखी?
हाँ, तो आपको बता दें कि लगभग 100+ 100 से भी ज्यादा जो फेस्टिवल्स हुए हैं फिल्मों के, उसमें इस फिल्म को दर्शाया गया है, उसमें शामिल किया गया है। और जो कांस्य फेस्टिवल है उसमें भी इनको सम्मानित किया गया है और इस फेस्टिवल में भी इस फिल्म को दिखाई गई है। तो कई फेस्टिवल्स में इन्होंने सम्मान हासिल, रंग हमने चुराए हैं जरूर, और यही रंग अभी आप इस मंच से जो इंद्रधनुषी छटा बिखेरती आ रही है कल से लेकर आज तक, और अभी एक नया रंग इस मंच पर आपको दिखाई देगा। और यही कहेंगे कि सजती रहे खुशियों की महफिल, हर खुशी सुहानी रहे, आप जिंदगी में हंसते रहे मुस्कुराते रहे, हर खुशी आपकी दीवानी रहे। इस महोत्सव के अवसर पर आप सबके लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं। तो पूरी टीम हमारी ये तैयार है, थोड़ा सा वक्त इनको देते हैं अपने एडजस्टमेंट के लिए माइक के साथ। आप देख रहे हैं झारखंड के पारंपरिक वाद्य यंत्र, झारखंड की घाटियों में युग युगांत की ध्वनि गूंजती रहती है, और यही गूंज अभी इस मंच पर होने वाली है, इस पूरे परिसर को गुंजायमान बनाने। आप जानते हैं ना कि अखरा में शाम होते हम पहुंचते हैं, आदिवासी भाई बहन पहुंचते हैं, और फिर देर रात तक चलता रहता है उनका नृत्य और संगीत, झूमते रहते हैं वो, गाते रहते हैं खुशी के साथ। अखरा में नगाड़ा बजते हैं, मांदर बजते हैं, मांदर के ताल होते हैं, बांसुरी के तान छिड़ते हैं, बेनम केंद्रा चोहिला आदि की सुरीली ध्वनि सबका मन मोह लेती है, और अब ये आपका मन मोहेगी। तो अब मैं आमंत्रित करती हूं राजकुमार।